नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कोशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 6 लेकर आए हैं, जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद जी, और इन्होंने प्रभो नामक कविता को लिखा है। तो आज पहले हम उनके कवि परिचय को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम उनका कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो कि शिक्षा प्रेमी थे, और इनके पिता तमाकू और सुगनी का व्यवसाय करते थे, इसलिए उन्हें सुगनी साहू भी कहते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध उनके घर पर ही हुआ था। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन के लिए भेजा गया, और छोटी सी ही उम्र में ये इतने ज़्यादा मेधावी थे, बहुत ज़्यादा पढ़ने में आगे थे, और इसी कारण से इन्हें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी का अच्छा ज्ञान हो गया था। और बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य के प्रति थी, और इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और साहित्य जगत में इन्हें वहीं से इनकी पहचान मिल गई। इन्होंने बहुत सारे काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी व निबंध लिखे हैं, जिसमें काव्य इनके प्रमुख है। आंसू, लहर, झरना, कामयानी, प्रेम प्रतीक, चित्रधारा, ऐसे ही इनके जो नाटक हैं उसमें अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, एक घूंट, कहानियों में आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, इस तरह की और कहानी व निबंध है। इनका देहांत सन 1937 ईस्वी में हो गया था। तो अब हम इनकी कविता की तरफ आते हैं। इन्होंने अपनी कविता में उस प्रकृति के सौंदर्य को बताया कि किस तरह से प्रकृति का सौंदर्य है उसको दर्शाने की इन्होंने कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। यहाँ विमल का मतलब स्वच्छ से है, अच्छे से, इंदु का मतलब चंद्रमा से है, और कि यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं, कभी कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, चंद्रमा के जो निर्मल और विशाल किरणें हैं जो फैली हुई हैं, वो प्रकाश बता रही है तुम्हारा, कि उसका उजाला बता रही है, उसका परिचय दे रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है, वो ये बताना चाह रहा है कि जो चंद्रमा की जो निर्मल और विशाल जो किरणें फैली हैं, उसका प्रकाश जब फैल रहा है तो वो सारे जगह परिचय हो रहा है, और उसकी जो शक्ति है, उसकी व्यापकता है, मतलब व्यापक, अनादि का मतलब जिसका आरंभ का पता नहीं चल सके, और अनंत जिसका अंत का ज्ञान ना हो, इसके लिए कहा गया है कि जो किरणें फैली हुई है व्यापकता के रूप में, बहुत दूर दूर तक फैली हुई, जिसकी शक्ति इतनी दूर तक फैली हुई है, उसकी किरणें जब दिखा रही हैं तो ईश्वर की माया का अंत से और पता नहीं है, उसका आरंभ पता नहीं है। अर्थात ईश्वर जो अपनी लीला दिखा रहा है, उसके आरंभ होने का और उसके अंत होने का कोई जानकारी नहीं, उसका कोई पता नहीं है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तो यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि यदि प्रसार का मतलब होता है फैलाव, और सागर का मतलब समुद्र से कहा गया है कि अगर इसको देखना है, इस फैलाव को देखे, ईश्वर की जो दया है उसका प्रसार देखना, उसका फैलाव देखना है कि वो कितना बड़ा है, कितना विस्तृत है, तो देखे समुद्र के विस्तार को देखना चाहिए कि समुद्र कितनी दूर तक फैला हुआ है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं, कि यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि जो ईश्वर की जो दया है, जो ईश्वर का लोग आस्था रखते हैं और वो ईश्वर उस पर दया करता है, तो उसके लिए कहा है कि यदि उसकी दया को देखना है तो समुद्र की लहरों की उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वो असंख्य हैं और उसका राग गाती चल जाती है। जब वो समुद्र में आती हैं तो लहरें एक दूसरे पर चलती चली जाती हैं और वो अपना राग गाती हुई लग रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो कोई गान गा रही हैं। उसी तरह से उन्होंने कहा है कि ईश्वर की श्रेष्ठता के गीत गाते हुए लग रहे हैं, ऐसे प्रशंसा के राग लगते हुए नजर आ रहे हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना वो देख सकता है चंद्रिका को, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, जिसे अपनी मधुर मुस्कान
मतलब यहाँ पर इस तरह का मतलब है मुस्कान के लिए कहा गया है कि उसे यदि देखना है, उसकी मुस्कान को देखा तो वह चांदनी को देख सकता है। चंद्रिका मतलब चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। निनाद का मतलब होता है अव्यक्त ध्वनि, जो ध्वनि आवाज़ करती चली जाना। कि हे प्रभु, जब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हंस रहे हैं और हंसने की जो ध्वनि हो रही है उसके कारण जो नदियाँ भी हैं वो भी उस कलकल की आवाज़ सुनाई दे रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि चंद्रमा की जो चांदनी है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ईश्वर मुस्कान फेंकता नजर आ रहा है और नदियाँ कलकल करती हुई हंसती हुई नजर आ रही है। विशाल मंदिर की यामिनी, यामिनी का मतलब होता है रात, जिसे देखना हो दीपमाला। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहता है कि विशाल मंदिर, कि इस संसार रूपी जो विशाल मंदिर है उस पर दीपमाला का, यहाँ पर दीपकों की माला के कतार के लिए कहा है कि दीपकों की कतार देखनी है। अर्थात कि रात का समय है और आकाश में क्या हो रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, तो उनकी ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है कि वो रात चमक रही है, रात में वो चमकते हुए तारे देख रहे हैं और उसकी जो ज्योति है वो ईश्वर का पता बता रही है कि सही रास्ता दिखा रही है। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम प्रेममय प्रकाश हो। तो यहाँ पर उन्होंने बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक प्रभु की, ईश्वर की आस्था को बताया, ईश्वर की उस रचना को बताया कि किस तरह से जब वो चंद्रमा की उसमें मुस्कुरा रहे हैं और चांदनी के रूप में, तो वो सब जगह उसकी मुस्कुराहट फैलती चली जा रही है और आकाश में वो दीप जल रहे। दीप का मतलब यहाँ तारों से कहा गया है कि प्रभु प्रेमय प्रकाश तुम हो, कि हे प्रभु प्रेमय प्रकाश तुम हो। प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, अंशुमाली का मतलब होता है सूर्य से और पद्मनी का मतलब होता है कमलिनी। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस समस्त प्रकृति रूपी जो कमल के समान खिलने वाली कमलिनी है, उसको विकसित करने वाले, उसको बनाने वाले सूर्य तुम हो। असीम उपवन के तुम हो मालिक, कि ये पूरा जो संसार है उसके, कि जहाँ पर प्रेम में प्रकाश फैला हुआ है क्योंकि आपके आने से उजाला फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम इसके के तुम माली हो। धरा बराबर बता रही, कि धरा मतलब पृथ्वी के लिए कहा गया कि पृथ्वी इसे बार बार में बता रहे कि जो ये सृष्टि है या संसार रूपी जो उपवन है उसके तुम अकेले मालिक हो। और क्योंकि जब दिन होता है, सूर्य उदय होता है, तो उससे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। और ये सारी बातें कौन बता रहा है? धरती बता रही है, अर्थात पृथ्वी बता रही है। जो तेरी हुए दया निधि, हे ईश्वर ये जब तुम्हारी दया निधि कि अपने भक्तों पर दया करते हो तब तो पूर्ण होता है मनोरथ, कि सब कुछ पूर्ण हो जाता है, सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, सब कोई तुम्हें पुकारता है। क्योंकि जब रात्रि होती है तो तारे चमक जाते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो प्रकाश फैल जाता है और उससे सब लोग कार्य मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। तो ये सभी लोग पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हर कार्य पूर्ण होते तुम्हारे आने से, कि मुझे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, ऐसी आशा रख कर, अर्थात संसार रूपी वो आस्था तुम्हारे कारण हो जाते हैं कि जब मनुष्य पे ईश्वर की दया हो जाती है और वो दया पूर्ण हो जाती है तो ये सारे कार्य सफल होते चले जाते हैं। तो इसी के लिए उन्होंने बताया है। आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।